नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, जहां पर आफ्ताब से लगातार 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ चल रही है। और आपको बता दें, पॉलीग्राफी टेस्ट पहले भी 3 चरणों में हो चुका है, लेकिन आज चौथे चरण का पॉलीग्राफी टेस्ट है, क्योंकि लगातार पुलिस को मिसलीड कर रहा था आफ्ताब। ये बड़ी वजह है कि आज चौथे चरण की भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो रही थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब ने जो हथियार इस्तेमाल किया था वो हथियार बरामद कर लिया गया है, साथ साथ वो अंगूठी भी बरामद की गई है, जो तथाकथित तौर पर श्रद्धा के पिता द्वारा श्रद्धा को दी गई थी। और बाद में आफ्ताब ने मंबल ऐप के जरिए जो दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई उसको गिफ्ट कर दी गई थी। दरअसल ये गर्लफ्रेंड आफ्ताब की जो नई गर्लफ्रेंड थी वो साइकोलॉजिस्ट थी। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया पर वो हथियार बरामद कर लिया गया है जिससे कि श्रद्धा का कत्ल किया गया था। हालांकि जानकारी के मुताबिक, पुलिस सूत्रों की जानकारी के मुताबिक, यह हथियार आरी था जिसे बरामद किया गया। और जद्दोजहद लगातार पुलिस इस बात की कर रही थी कि हथियार को बरामद किया जाए, लेकिन लगातार आफ्ताब गुमराह कर रहा था और गुमराह करने की वजह से जो सही इन्फॉर्मेशन थी कम से कम वो नहीं मिल पा रही। बड़ी वजह है कि पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए लगातार पूछताछ करने की कोशिश की जा रही थी और ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर हथियार वो कौन कौन से हैं जो कि इस्तेमाल किए गए हैं पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए। हालांकि अगर अब भी आफ्ताब इसी तरीके से गुमराह करता रहा तो अब नार्को टेस्ट का सहारा लिया जा सकता है, जिसको लेकर न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिवली अंबेडकर हॉस्पिटल के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं उनसे भी बात की थी। FSL की ओर से अगर परमिशन दी जाती है तो साफ तौर पर अगले सोमवार को यानी कि 5 तारीख को ये नार्को टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि जो हथियार इस्तेमाल किया गया था इस मर्डर के लिए वो बरामद कर लिया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी जुड़ गए हैं। आनंद, पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो हथियार बरामद कर लिया गया है जिससे कि श्रद्धा का मर्डर किया गया था। जानकारी के मुताबिक आरी से श्रद्धा की हत्या की गई थी गला घोटने के बाद, उसके बाद टुकड़े टुकड़े किए गए थे। क्या पूरी जानकारी निकल कर आ रही है और आखिर कहां से बरामद किया गया, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, पुलिस सूत्री ने बिल्कुल इस बात को कन्फर्म किया है। पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जो हथियार है वो बरामद कर लिया गया है। एक से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया गया था जो श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के लिए, और उसमें से एक हथियार जो है वो पुलिस को मिल चुका है। आफ्ताब की निशानदेही पर ही दिल्ली NCR की जो बॉर्डर है वहां से इस हथियार को बरामद किया गया है। इसके अलावा श्रद्धा के पिता ने एक अंगूठी जो है वो श्रद्धा को दी थी, वो अंगूठी श्रद्धा की कत्ल के बाद श्रद्धा के जो के साथ जो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी आफ्ताब, उसने एक अपनी नई गर्लफ्रेंड जो एक साइकोलॉजिस्ट बताई जाती है उसे दी थी, और उसके ही पोजीशन से वो अंगूठी जो है वो बरामद कर ली गई है। पुलिस ने उस लड़की के जो बयान है वो भी दर्ज किए हैं, उसने भी आफ्ताब के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां दी, किस तरह से इसने डेटिंग ऐप के जरिए उससे संपर्क साधा था। इसके अलावा पुलिस जल्द नार्को टेस्ट भी कराएगी, आज पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, और आज कयास लगाए जा रहे हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट का जो फाइनल यानी चेयर सेशन है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बड़ी जानकारी ये है, अब कोर्ट में पुलिस के लिए एक और महत्वपूर्ण सुराग जो है वो पुलिस को मिल चुका है, हथियार बरामद हो गए हैं और इस हथियार को CFSL जो है वो बिल्कुल, और इस सुराग के जरिए अब उम्मीद ये की जा रही है आनंद की इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जा सकता है। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो पूरा का पूरा ये माइंड गेम था, ये जो पूरा पूरा षड्यंत्र रचा गया था आफ्ताब की ओर से, क्या इसका आज पर्दाफाश होगा? क्योंकि लगातार यहाँ पर FSL ऑफिस के बाहर हम मौजूद है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यहाँ पर पूछताछ चल रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 14 घंटे पहले भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका था लगातार।